हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर द रिंग। पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ थिन रिंग एट अ डिस्टेंस एक्स। तो ये एक रिंग है और इस रिंग का जो मास है वो कैपिटल एम है। इस रिंग की वजह से हमको एक्स एक्सिस पर पोटेंशियल निकालना, तो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, इसी जगह पर अगर पोटेंशियल की आप बात करेंगे तो आप लिखेंगे वी इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइडेड बाई टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ये हो जाएगा पी पॉइंट पर पोटेंशियल। अगर कोई बोलता है कि एट सेंटर क्या होगा, तो एट सेंटर के लिए एक्स इक्वल टू आप लिखेंगे जीरो, तो वी सेंटर इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइडेड बटे रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस जीरो। तो ये हो गया माइनस जी एम डिवाइडेड बटे आर, तो भी सेंटर हो गया माइनस जी एम डिवाइडेड बटे आर। ये काफ़ी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो सेंटर, रिंग के सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा वो माइनस जी एम बटे आर, और एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है और वहाँ पे पोटेंशियल होगा तो माइनस जी एम डिवाइडेड बटे रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आगे है बच्चों, स्कैप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट ऑफ मास एम एंड रेडियस आर। या तो कोई सरफेस हो, कोई अर्थ का सरफेस हो, या कोई प्लैनेट हो उसका मास एम है प्लैनेट का और उसका रेडियस आर है, और वहाँ से किसी पार्टिकल को हम फेंकते हैं तो वो पार्टिकल नेवर रिटर्न आती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्कैप वेलोसिटी, और उसका जो मान होता है 2gm डिवाइडेड बटे आर। gm बटे आर को वैसे में हम लोग क्या लिखते हैं, gm डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर को हम लोग g लिखते हैं। अब इसको अगर आप ऐसे लिखें जी एम बटे आर इक्वल टू जी इंटू आर, तो फिर स्कैप वेलोसिटी इज इक्वल टू लिखेंगे आप रूट अंडर टू जी आर। तो दो फार्मूला हो गया, एक स्मॉल जी के टर्म में और एक कैपिटल जी के टर्म में। उसी तरह से हम लोग बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, मतलब कि किसी ऑर्बिट में या किसी सैटेलाइट के ऑर्बिट में कोई एक सैटेलाइट है जो किसी अर्थ के या किसी प्लैनेट के अराउंड मूव करता है, उसको हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं, मतलब कि ऑर्बिट में मूव करता है। तो वी ओ इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बटे आर लिख सकते हैं। अब ये हो सकता है कि R जो हो वो कैपिटल R प्लस H, R हो गया रेडियस ऑफ अर्थ या रेडियस ऑफ सैटेलाइट, सॉरी प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं वी ओ इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बटे R प्लस H। अगर हम बात करें कि H इज इक्वल टू जीरो, बहुत नज़दीक हो, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर जी एम डिवाइडेड बटे आर। काफ़ी आसानी से आप ऐसे भी लिख सकते हैं भी ऑर्बिटल डिवाइडेड बटे रूट अंडर टू, ऐसे में भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सही बच्चे, कोई डाउट नहीं। वी ओ इक्वल टू वी ई डिवाइडेड बाई रूट टू, जहाँ पे वी ई जो है इसका वेलोसिटी है। बात करते हैं टाइम पीरियड, 2 पाई आर डिवाइडेड बटे वी, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बटे 2 जी एम, ऐसे लिखा जा सकता है। पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लिखें जी एम एम डिवाइडेड बटे आर, काइनेटिक एनर्जी अगर लिखते हैं तो एम वी का स्क्वायर
जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बटे टू आर टोटल एनर्जी को अगर लिखें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सोल्व करेंगे तो जी एम एम और डिवाइडेड बटे टू आर और बाइंडिंग एनर्जी जो होगा बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी। जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई टू आर।